तो ये हमारा प्रोजेक्ट है वेंटिलेटर। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पावर सोर्स के लिए 12 वोल्ट और 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर है। इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। इसके बाद हमने अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके साथ ही हमने एक स्टेपर मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक मैनुअल BVM बैग यूज़ किया हुआ है जिसको हम स्टेपर मोटर से प्रेस करवा रहे हैं। तो ये लेज़र कटिंग से हमने इसकी बॉडी कट करवाई हुई है। तो यहाँ पर हम इसकी LCD के ऊपर सेटिंग कर रहे होते हैं डिग्रीज प्रेशर और इसके बाद टाइम ड्यूरेशन। और जैसे ही हम इसको पावर इन करते हैं तो यहाँ पे LCD पे पहले वेलकम आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी स्पीड रखी हुई है जो कि दो पोजीशनें हैं, फास्ट है और स्लो है। इसके बाद यहाँ पर डिग्रीज हैं यानी कि ये जो ब्रेथ का साइज है इसने कितना प्रेस करना है तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन दे रहे होते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टेपर मोटर ने वर्किंग करना शुरू कर दी हुई है। और अगर हम इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं, सेटिंग में जाते हैं तो जैसे ही हम सेटिंग का बटन प्रेस करते हैं तो ये सेटिंग में चला गया हुआ है। और इसमें हम यहाँ से स्पीड स्लो और फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डिग्री चेंज कर सकते हैं यानी कि 30° से लेके 140° तक हम सेट कर सकते हैं वैल्यू। तो ये आपका बटन है, जैसे जैसे हम अप करते जा रहे हैं तो वैल्यू अप होती जा रही है और ये डाटा ईप्रो में स्टोर भी रहेगा। इसके बाद दोबारा सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं जो एक दफ़ा प्रेस होने के बाद स्टे है तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर ये स्टे जो है वो कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट का बटन प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट से हम बाहर आ जाएंगे। और इसके बाद इसने वर्किंग करना शुरू कर दिया हुआ है। अब ये ज़्यादा प्रेस होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये बेसिकली हम प्रेशर चेंज कर रहे होते हैं